हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार सिंह, आप लोग का अपना कोचिंग सीडिंग सक्सेस में स्वागत है। हम लोग का मैथ का सेशन पिछला चला था सिंप्लीफिकेशन का सीरीज, आज हम लोग कुछ देखते हैं नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, सीडीएस में, जो भी एग्ज़ाम दीजिए आप वन डे, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं। पहले हर चीज़ कॉन्सेप्ट देखा जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा, हर छोटा कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे और बड़ा लेवल तक जाएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। अगर हम किसी संख्या मान लेते हैं पाँच, पाँच को अगर हम भाग दिए, फाइव से भाग दिए 42 को, फाइव से भाग दिए 42 को, देखते हैं कितने बार जाएगा। अगर एट बार जाएगा, 40 हुआ और यहाँ 2 रिमाइंडर बचा। इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भाजक भाज और ये भागफल। क्या क्या बोलते हैं? भाजक भाज भागफल शेषफल। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भाजक है, क्या है भाजक है, डिवाइजर है, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशेंट बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो जो भाजक है हमेशा भाजक से रिमाइंडर छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। और चीज, हाँ, तो इसमें अगर 5 से दिए, 8 बार गया, 40 बचा, 2 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर का छोटा सा जो ठेठी भाषा बोला जाता है, उसको बोलते हैं फालतू बचना। जो इससे, इस नंबर से ये डिविजिबल नहीं हुआ, जो बच गया एक्स्ट्रा, उसी को रिमाइंडर बोलते हैं, उसी को फालतू बोलते हैं। ठीक है, चलिए। पाँच से एक चीज और देखिएगा, इसमें पाँच से फिर भाग दिया 42 को, ठीक, पाँच को दिए हम फिर से 42 को। मान लीजिए हम किसी कारण पहाड़े को, टेबल को हम भूल गए और हम इसको 6 बार लिए। कितने बार लिए? 6 बार लिए। तो ये कितना हुआ? 30 हुआ। कितना हुआ? 30 हुआ। अब अगर यहाँ 30 हो गया, कितना बच गए? 2 बच गए, यहाँ 1। तो मामला गड़बड़ हो गया? नहीं, गड़बड़ हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ से ये बड़ा हो गया। और हम लोग क्या बात किए थे, जो भाजक है वो हमेशा जो शेषफल बचेगा उससे छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा हो गया। इसको क्या करते हैं, 5 से अगर एक बार हम और भाग दे देते हैं 2 बार, तो मेरा रिमाइंडर वही आ गया जो हम उसमें बात किए थे पहले। मतलब अगर इसको हम 2 बार भी देख कर देखें तो भी सही आ रहा है मेरा रिमाइंडर। यस या नो? यस। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये भी मेरा फंडा सही है। क्या है? सही है। चलिए, ये भी मेरा फंडा सही है। अब अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चल, हो गया। अगर हम इसको दें, क्या इसको अगर दें 5 से फिर भाग 42 को, एक बार फिर हम गलती से इसके ज़्यादा वाला से पढ़ लें, मतलब क्या कर लें, 25 40 बार जा रहा था, इसको हम 9 बार दे दिए। क्या दे दिए? 9 बार दे दिए। कितना बार दे दिए? 9 बार दे दिए। कितना हुआ? 45 से माइनस किए, कितना बच गया? -3। तो फिर गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि हमको तो हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ आ रहे हैं कि रिमाइंडर में जो रिमाइंडर सक्सेसफुल मेरा बचता है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तब यहाँ क्या करें?
तब यहाँ क्या करें, मेरा तो रिमाइंडर अगर इसमें हम बात कर रहे थे तो कितना आ रहा था, दो आ रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरा माइनस तीन, और ये हम कभी मैथ्स में नहीं जानते थे कि रिमाइंडर मेरा माइनस तीन आ रहा है, तो गलत हो गया। नहीं बच्चों, इसको गलत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या करेंगे फिर, जो मेरा भाजक है, क्या है, भाजक है, और जो मेरा रिमाइंडर है उसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे फिर से समझ, जो मेरा भाजक है रिमाइंडर जो बचा उसको हम माइनस कर देंगे, फिर कितना बच गया, टू आ गया मेरा। इतना चल रहा है बढ़िया से, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या दिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, इसमें अगर हम भाग दिए इसका दो रिमाइंडर आया, क्या क्या आया, दो रिमाइंडर आया मेरा, क्या जब हम इसको आठ बार दिए तो इसमें प्लस टू आया, आठ बार अगर दिए तो प्लस टू आया, अगर हम एक ज़्यादा दे दिए नौ बार दे दिए, नौ पच्चे पैंतालीस हुआ तो कितना आया, माइनस तीन आया, कितना आया बच्चा, माइनस तीन आया, माइनस तीन आया। अब एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जो ये दोनों का आया ना रिमाइंडर, दोनों को अगर ऐड कीजिएगा ना तो हमेशा नीचे का आ जाएगा, आएगा, ये चेक कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आपका रिमाइंडर गलत है, क्या है, गलत है। चलिए ये हमको समझ में आ गया। अगर हम देखते हैं क्या, पचास सेवन कर इसको देखते हैं, इसको अगर देते हैं सत सत्ते उनचास हुआ, कितना हुआ, सत सत्ते उनचास हुआ, इसका पहला रिमाइंडर प्लस में आया, वन आ गया, आ गया क्या, वन आया। अगर हम क्या, अगर हम माइनस में ज्ञात करें यहाँ तो कितना आ जाएगा, सत सत्ते उनचास सती अठी छप्पन, कितना माइनस है। अब देखिएगा कि दोनों का जो ऐड है वो हमेशा सेवन आ रहा है, ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। हम सात से अगर दिए इसको, सत सत्ते उनचास वन आया, इसको एक अधिक दे दिए छप्पन आठ बार तो कितना आया, माइनस सिक्स, और दोनों का ऐड सेवन, मेरा सही जा रहा है, क्लियर हुआ। हम आगे बात करते हैं क्या, ये तो क्लियर हो गया क्या, कोई एन संख्या है मेरा, इसको हम 11 से अगर हम भाग देते हैं, और एक मेरा अगर प्लस तीन दे दिया और दूसरा हमको ज्ञात करना है तो क्या होगा, माइनस वाला क्या होगा बच्चा, बोलिए कस के थोड़ा, माइनस एट होगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का ऐड जो होता है वो 11 होता है, होता है कि नहीं होता, 11 होता है। चलो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्या क्या देखें, अगर n, अगर हम n को हम डिवाइड करें कितना से, 16 से करें, कितना से करें बच्चा, 16 से करें, और एक अगर मेरा आ गया, क्या आया, एक मेरा आ गया मान लीजिए, कितना आ गया, माइनस फाइव आया, एक मेरा माइनस फाइव आया, कितना आया, एक माइनस फाइव आया, तो दूसरा अगर देखें तो कितना आया, दोनों का ऐड मेरा 16 होता है, तो एक मेरा कितना आ गया, 11 आ गया। ये सब हो क्लियर हो रहा होगा, एकदम सब क्लियर हो रहा होगा, कितना आया, 11 आया, और दोनों का ऐड देखिएगा तो 11 5 16 जो मेरा नीचे है, सही जा रहा है सब कुछ। चलो आगे देखते हैं, अगर हम 13 को 19 से भाग दें तब देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है, तो देखिएगा 13 से भाग दें 19 से 13 को तो क्या हुआ देखते हैं, अगर 19 को 0 बार दिए तो 0 बार हुआ,
क्योंकि 19 से कम 19 होता है और 19 जाएगा नहीं। ये तो क्लियर हो रहा है। आ यहाँ मेरा 15%, तो एक तो मेरा रिमाइंडर 13 आ गया जो पॉजिटिव वाला है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर हम माइनस वाला लें तो कितना होगा, एक बार जाएगा और यहाँ 19 होगा, और अगर जो हम इसको माइनस करें माइनस सिक्स आएगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा, चलिए क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं, क्या कि माइनस 46 लेते हैं और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा। क्या लिए हम लोग बच्चा, माइनस 46 लिए और इसको हम 5 से डिवाइड किए तो कितना बचा, माइनस 45 है। ठीक, यही है मेरा क्वेश्चन। अगर इसको हम देखते हैं तो कुछ देर के लिए आप लोग माइनस भूल जाइए। इसको अगर हम करते हैं तो 5 × 9 = 45 हुआ, इसका रिमाइंडर अगर करें तो प्लस वन हुआ। हुआ कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये प्लस वन आ गया। और प्लस वन और माइनस वन को अगर प्लस वन जब माइनस से इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, माइनस वन आ जाएगा। और हम लोग क्या सीखेंगे, अगर यहाँ माइनस वन आ गया तो हमेशा जो हम भाजक है उससे हम माइनस कर देते हैं, मतलब कितना 4, क्या आया 4 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 4 आ गया, इसका तो समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और लेते हैं, क्या अगर हम 40 को माइनस 40 है इसको हम 13 से डिवाइड किए, माइनस 40 बाई 13। ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ से फिर हम लोग वही बात करेंगे, क्या कि यहाँ से माइनस छुपा लेंगे, अब छुपा लिए, यहाँ अगर हम भाग दिए 13 × 3 = 40, यहाँ कितना हुआ प्लस वन, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस वन हुआ। अब प्लस वन हुआ तो प्लस माइनस अगर हम इंटू करेंगे तो माइनस वन हो गया, तो माइनस वन तो हम बताए नहीं, तो क्या बताए, 13 − 1 = 12 हो गया। ये तो क्लियर हो रहा होगा, ये तो क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ 38 लिखेंगे और 13 से अगर भाग दें, ये माइनस, क्या ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया, क्या -38/13। अब यहाँ 13 से अगर इसको हम भाग दें तो 13 × 3 = 39, इसको कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाइए, 13 × 3 = 39 हुआ। अब 13 × 3 = 39 हुआ तो यहाँ तो मेरा रिमाइंडर माइनस आ गया, और अगर माइनस माइनस अगर इंटू हुआ तो प्लस, ये समझ में आया। चलिए आई होप इस लोग सब समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेके। तो मेरा क्वेश्चन है पहला, क्या 13 + 38 अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, क्या करें 5 से डिवाइड करें, क्या करें 5 से डिवाइड करें, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, समझे मेरी बात को, क्या कि 13 + 38 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ दो तरीका रिमाइंडर ज्ञात करने का, दो तरीका, क्या शुरू तो पहले इन लोग को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 13 + 8 = 11 + 3 = 4 = 5, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चा, 1 आ रहा है, 10 × 12 = 50, तो 1 आया, क्या आया रिमाइंडर 1 आया। समझ में आ रहा होगा, पहला इसका टर्म है कि एक को जोड़ के और कर लिया। लेकिन कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन में दे देगा बड़ा सा लंबा चौड़ा एकदम, तो वहाँ आप लोग फंस जाइएगा, समझे बात को। उस सिचुएशन में क्या करना है कि सेपरेट करते जाना है, जब हम 5 को 13 का रिमाइंडर हम याद करेंगे, 5 को अगर हम 13 से भाग दें तो कितना आएगा, 5 × 10 = 15, 5 × 10 = 10 गया, और यहाँ कितना बचा प्लस 3 रिमाइंडर बचा, प्लस 3 बचा कि नहीं बचा, बचा
अब यहां अगर हम भाग देते हैं, क्या 5 × 7 = 35, यहां कितना बचा? 5 × 7 = 35, यहां कितना बचा? प्लस 3 बचे, 25 × 8 = 40 हो जा रहा था, लेकिन उसको भी देखेंगे 40 वाला कैसे होगा। लेकिन पहले तो ये हुआ सेपरेट सेपरेट किए तो, और इसको अगर दोनों जोड़ का चीज जोड़ देंगे 3 × 3 = 6, बच्चा इससे तो बड़ा हो गया नहीं, बड़ा हुआ तो एक चीज़ और सिखाए थे, अगर बड़ा हो गया तो एक बार और भाग देना है, 5 × 5 रिमाइंडर कितना बच गया? सेम आया कि नहीं आ गया। मान लेते हैं यहाँ कि अगर हम यहाँ पे माइनस वाला ले लें, यहाँ पे माइनस वाला ले लें, क्या वाला ले लें? माइनस वाला ले लें, 5 से अगर भाग दे रहे हैं 38 को, तो हम 35 न कहकर 8 पार गए और 40 हुआ, और यहाँ कितना रिमाइंडर बच गया? -2 बच गया, बचा कि नहीं बचा? -2 बच गया। अब देखिएगा यहाँ क्या, यहाँ +3 बचा, लिखना भी जरूरी है प्लस को, प्लस माइनस 2 हुआ, अब माइनस को अगर ये ऐसे कीजिएगा 3 − 2 हो गया, और ये बस ठीक। अगर दोनों को हम माइनस में ले लें, दोनों को माइनस में ले लें, इसको भी माइनस में ले लें, तब देखते हैं 5 × 3 = 15 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 5 × 3 = 15 हुआ, और जब 5 × 3 = 15 हुआ तो यहाँ भी -2 हो गया, और जब माइनस माइनस कितना हो गया? -4 हुआ। अब माइनस तो रिमाइंडर में होता नहीं है, तो क्या बताएं? 5 − 4 कितना हो गया? क्लियर हो रहा होगा आप लोग को एकदम परफेक्ट। चलिए अगर हम यहाँ बात करें, क्या यही क्वेश्चन मेरे पास रहे 13, और यहाँ हम साइन चेंज कर दें, क्या कर दें? इनटू कर दें और 38 कर दें, और अगर हम 5 से डिवाइड करें, अब देखते हैं बच्चा क्या होता है। क्या जब हम 5 से भाग दें 13 को तो कितना आया था? 3 आया था, इसको दिए थे कितना आया था? +3 आया था, 5 × 7 = 35, 3 आया, प्लस प्लस हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 9 आ गया, आया कि नहीं आया? अब ये तो बड़ा हो गया, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 कितना रिमाइंडर बचा? 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर हम यहाँ माइनस हो जाता, क्या होता? माइनस होता तब क्या करते? यहाँ रिमाइंडर बचता 13, 3 बचता और यहाँ 3 बचता, और 3 में से जब 3 गया तो क्या हो गया? 0। ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मान ले 37 कर ले, क्या कर ले? 37 कर ले और बीच में प्लस। अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको ज्ञात किए थे यहाँ कितना रिमाइंडर बचा था? +3 बचा था, बचा था कि नहीं बचा था? और यहाँ ज्ञात करें तो कितना बचा था? 5 × 7 = 35 और 2 × 37 +2 हुआ। समझ रहे बात को? +2 हुआ कि नहीं हुआ? +2 हो गया, ये प्लस में है तो 3 × 2 = 5, 5 हुआ बटा। अब यहाँ देखिएगा जब 5 आया इसको फिर 5 से अगर डिवाइड करें तो कितना लड़का लोग है क्या करेगा? रिमाइंडर 1 लिख देगा, लेकिन ये सबसे बकलोल वाला विधि है, 1 लिख देता है, यही जल जाता है चांद में। हम तो रिमाइंडर में ज्ञात कर रहे हैं, समझ रहे ना? हम तो रिमाइंडर ज्ञात कर रहे हैं, भागफल थोड़ी ज्ञात करें, तो रिमाइंडर तो मेरा कट गया तो 0 हो, समझ रहे बात को? चल अगर हम यहाँ पे इसी तरह गुना कर दें तो क्या आ जाए? इस बार हम माइनस वाला ले लेते, क्या ले लेते? माइनस वाला ले लेते, यहाँ माइनस वाला ले लेते,
पाँच तीन पंद्रह माइनस टू, पच्चीस अठी चालीस माइनस टू, समझ रहे हैं बात को, पच्चीस अठी चालीस माइनस टू, पच्चीस अठी चालीस माइनस थ्री, पच्चीस अठी चालीस माइनस थ्री। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये तो दोनों माइनस में हो गया, जब दोनों गुना होता है तो तीन दूनी छः हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया। और फिर अगर हम इसको पाँच से भाग दें, रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा होगा, ये सब आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग कुछ सवाल उठाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। जब SSC 2011 में एडवांस में डाला था उस समय सिचुएशन क्या था क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं रिमाइंडर फिर हमें, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो देख लेते क्या है। एक क्वेश्चन था क्या, 63 गुना 113, और इसको डिवाइड किया कितना से, 11 से, अब पूछ लिया रिमाइंडर क्या क्या हो, इसको सेपरेटली करेंगे, 11 6 66 गया, माइनस 3 बचा, बचा कि नहीं बचा, 11 6 66 गया, माइनस 3 बचा। अब इसको हम करेंगे कि 11 से एक बार गया, 11 पे 11 ही कट गया, कितना रिमाइंडर बचा, प्लस 3 बचा, बोलो एक बार, प्लस 3 बचा, प्लस 3 बचा, ये बचा कि नहीं बचा। अब अगर हम दोनों को इंटू करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 9 हो गया, लेकिन तो यहाँ कांड हो, इन लोगों को तो बता दिए हम कि माइनस में होता नहीं है, क्या करेंगे हम, ये तो बताते आ रहे हैं पिछला क्वेश्चन से, 11 में से 9 गया। ये हम लोग का ट्रेंड था जब शुरुआत में SSC एडवांस मैथ को लाया था, समझे बात को, जब SSC एडवांस मैथ को लाया था। कुछ क्वेश्चन आर था देख लेते हैं, अगर हम यहाँ प्लस कर दें, क्या कर लें, अगर हम यहाँ प्लस कर दें तब देखते हैं क्या आएगा, प्लस कर देंगे तब क्या आएगा देखते हैं, प्लस कर देंगे ये तब मेरा प्लस और माइनस कट जाएगा, आइए हमारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, जीरो, तो और आसान हो गया, जीरो आ गया तो क्या हुआ, और आसान हो गया। चलिए अगर हम यहाँ माइनस कर लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, अगर हम यहाँ माइनस कर लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, जब माइनस थ्री और प्लस 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 माइनस माइनस हो जाए माइनस थ्री, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, कितना होगा, माइनस सिक्स होगा। और जब माइनस सिक्स हुआ तब क्या, माइनस में तो आता नहीं है क्या, और जब 11 में से माइनस सिक्स करेंगे तो 5 आता, और यही मेरा रिमाइंडर होगा इसका, समझ में आ रहा है बातों को, क्लियर हो रहा है एकदम पूरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है मेरे, क्या है, 40 गुना 64 बटा 9, इसको हम जब 9 से डिवाइड करते हैं कितना रिमाइंडर बचे, यही मेरे पास क्वेश्चन है कि नहीं, यही मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसको 9 से भाग दे 40 को, कितना बार बनेगा, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 चौक जब 36 किए तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, +4 बच रहा है, आया ना, +4 बच रहा है कि नहीं। अब जब हम यहाँ 9 से भाग दिए तो 9 7 63 कितना बचा, +1, कितना बचा बचा, +1। यहाँ अगर करें तो 4 एकम 4 हुआ, क्या रिमाइंडर इसका बच गया, समझ रहे बात कि नहीं। अगर हम इसको क्या करें, केवल केवल गुना के जगह हम तो इसको ऐड कर दें, जोड़ कर दें, तब क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा रिमाइंडर, समझ रहे बातों की नहीं, 4 और 1 5 हो जाएगा। अगर हम इसका जगह क्या करें, माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या होगा, अब
चार में से एक गया, तीन हो गया। समझ रहे की बात है, समझ रहे। अब ये ट्रेंड चल रहा था मेरा 2011 का, अब एक FCI एग्जाम हुआ था 2012 में, तब वो क्वेश्चन को कैसे घुमाया था वो थोड़ा देखते हैं। क्या लिया था क्वेश्चन को कि 1957 प्लस 1961 नहीं इंटू इंटू 1954 इंटू 1 लाख, यही था। और इसको बोला गया था कि अगर हम 19 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा, कितना 19 से, कितना 19 से, ठीक है। अब इसको हम जब भाग देते हैं, ये थोड़ा एग्जाम को एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट किया। अब देखते हैं, इसको कुछ नहीं किया, हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हुए उसी में काम करना है। जब हम 19 को इसको भाग देंगे तो 19 से कम 19 ये तो कट जाएगा, कटेगा क्यों, कट जाएगा। फिर जीरो अगर फिर आ गया 57, 19 दिया 57, ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया, जीरो। कितना बचा बच्चा, जीरो। कितना बचा, जीरो। फिर उसी तरह यहाँ आएंगे 19 से कम 19, फिर कट गया 6 आया, फिर जीरो देंगे 1 आएगा, 61 आ गया। अब 19 दिया 57 हुआ, क्या हुआ, 19 दिया 57 हुआ, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, प्लस कर, कितना बचा, प्लस कर बचा। फिर यहाँ आएंगे 19 से कम 19, 19 दिया 57, यहाँ कितना बच गया, -3। कितना बचा, -3। कितना बचा, -3। अब यहाँ आएंगे तो 19 से कम 19, कितना रिमाइंडर बच गया, प्लस 1। समझ रहे ना बात, कितना आया, प्लस 1। अब यहाँ अगर हम ज्ञात करें, गुना करते हैं, क्या अगर कोई भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुना किए क्या, यहाँ से जीरो जीरो किए, यहाँ जीरो जीरो किया, यहाँ जीरो जीरो किया, और रिमाइंडर मिला गया जीरो। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, क्या कि एक बार अगर रिमाइंडर किसी का जीरो आ जाए, क्या आ जाए, एक बार अगर रिमाइंडर किसी का जीरो आ जाए, और अगर गुना में हो कोई संख्या और उसका रिमाइंडर अगर पूछा हो, और एक बार अगर यहाँ आ जाए, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, ये आगे सॉल्व नहीं करना है, क्या होता है, रिमाइंडर जीरो होता है। समझ गए बात को, जब आप प्रैक्टिस कीजिए धीरे 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 आपका क्लियर होते जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। जब एक बार हमेशा रिमाइंडर आ गया मेरा, क्या आया, एक बार अगर मेरा रिमाइंडर आया तो हमेशा फिर जीरो आएगा, ये तो क्लियर आ रहा होगा। चलिए ठीक, क्लियर हो गया ये, चलिए ये तो मेरा जीरो आ गया। अगर हम यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट करें, क्या करें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, अरे यहाँ 57 की जगह हम यहाँ आपको कर दें, क्या कर दें बच्चा, 58 कर दें, क्या कर दें, 58 कर दें। अब देखते हैं हम, अब इसको 19 से भाग देना है, उसी तरह करते जाएंगे। तो 19 से भाग दिया, 19 कट गया, 58 आया, आया 19 दिया, 19 दिया 57 हुआ, यहाँ कितना बचा, प्लस एक बचा, कितना बचा, प्लस एक बचा, कितना बचा, प्लस एक बचा। अगला गए 19 से कम 19, जीरो फिर करेंगे 61, अब यहाँ 61 बच गया, तो यहाँ अगर 19 दिया 57, कितना बचा, प्लस 4 बचा, कितना बचा, प्लस 4 बचा। यहाँ फिर उसी तरह 19 से कम 19, फिर यहाँ से 57 करेंगे तो यहाँ कितना, -3 बचा, और फिर यहाँ 19 से कम 19, यहाँ कितना आया, प्लस 1, कितना आया, प्लस 1 बचा। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, क्या 4 एकम 4 या 12 एकम 12, कितना आया, 12, लेकिन एक जगह माइनस लगा हुआ है, माइनस, समझ रहे बात को, क्या आया, माइनस आया।
लेकिन आप लोग को तो सिखाया है 12 नहीं होता, 19 में से 12 गया, कितना हो गया? इसका आंसर हो गया कितना आया? 7 आंसर हुआ। ये तो क्लियर हो गया होगा एकदम। यहाँ अगर हम बीच में कर दें क्या प्लस ले लें? क्या ले लें? प्लस ले लें। क्या ले लें? प्लस ले। क्या ले लें? प्लस ले। अगर हम प्लस लेते हैं फिर उसी तरह रिमाइंडर ज्ञात करते जाएंगे, वही होगा। यहाँ हो जाएगा प्लस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 4, सॉरी प्लस 4, यहाँ आ जाएगा माइनस 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 4। ठीक, अब यहाँ प्लस 1 हुआ। अब जब यहाँ प्लस है तो देखिएगा 4 1 5 4 1 6 कितना आया? 4 1 5 4 1 6, और 6 में से माइनस 3 हुआ कितना हुआ? 3 हुआ। 4 1 5 1 6, और 6 में से 3 गया कितना बचा? 3 बच गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कितना आया? 3। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये तो समझ में आया ही हुआ होगा कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल पे। क्या फैक्टोरियल पे? अच्छा, एक चीज, फैक्टोरियल क्या करता है कि नंबर को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को फैक्टोरियल बताते हैं। यही बात है, नंबर को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही है। जैसे हम कुछ लिखें, क्या 5 या 9 लिखें, इसको कितने तरह से लिख सकते हैं? 5 9 लिख सकते हैं, और 9 9 8, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी को, जो नंबर को रिप्रेजेंट करे उसी को हम फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे हम अगर 1 फैक्टोरियल लिखें, क्या 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसका मतलब क्या? 1। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 1 डिजिट, क्या हुआ? 1 डिजिट। अगर 2 फैक्टोरियल का मतलब लिखें, कितना? 2 into 1, यहाँ 2 डिजिट। 3 फैक्टोरियल का बात करें कितना होगा? 3 into 2 into 1, यहाँ 3 डिजिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ 4 फैक्टोरियल का बात करें, यहाँ 4 डिजिट होगा, मतलब 4 into 3 into 2 into 1 होगा। यही बात है, क्लियर है। यहाँ अगर हम 5 फैक्टोरियल का बात करें तो कितना? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा। इसका बात करें 1 फैक्टोरियल का तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, यही आते जाना है। और ये सब आपको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है, कैसा? तोता जैसा। चलिए अब अगर अगला हम 6 फैक्टोरियल का बात करें, यहाँ 6 अंक होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2। अब यहाँ इंटू 1, अगर यहाँ बात करें कितना हो जाएगा? 3 2 6 6 4 24 25 120 छक्का 7 0। अरे यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यही बात करना चाह रहा फैक्टोरियल। मतलब ये सब सब आपको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। चलिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या का मामला है। सो अगला चीज देखते हैं, फैक्टोरियल का मामला समझ में आ गया। एक अगला इसी पे थ्योरम है, क्या? विलियमसन। क्या है? विलियमसन थ्योरम।
अब ये क्या बोले वो हम लोग देखते हैं। क्या बोले कि अगर पी अगर क्या है, पी अगर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का कहने का क्या मतलब, जैसे 3 हुआ, ये मेरा क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो केवल दो ही तरीका से कटे, ठीक से दो ही तरीके, उसका कितना हो फैक्टर 2, एक कौन हो, एक हो और एक अपने जो खुद का, समझे बात। जैसे हम 5 को लेते हैं, इसका भी दो ही फैक्टर है, एक है और एक अपने खुद से कटे। तो इसीलिए जिसका 2 फैक्टर हो, जिससे दो दो ही संख्या से कटे, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। चल जैसे 2 भी है, अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर माना जाता है तो 2 है, 2 को भी देख लीजिए, 1 से 8 से 2 ही संख्या से कट रहा है, समझ रहे बात। चल कोई पी अगर प्राइम नंबर हो और पी माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं पी से, पी अगर कोई प्राइम नंबर हो और पी माइनस 1 अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं पी से, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा पी माइनस 1 या माइनस 1 या माइनस 1 होगा, समझ रहे बात को। क्या होगा फिर से समझ, पी अगर कोई प्राइम नंबर हो अब पी माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करें पी से, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा पी माइनस 1 या 1। अब क्या कहने का मतलब है वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। आगे देखते हैं विलियमसन थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। मेरा क्वेश्चन है 28 को, फैक्टोरियल 28 को अगर हम 29 से डिवाइड करें, ये भी प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर है। तो विलियमसन थ्योरम क्या कहता था कि अगर p माइनस 1 से कर रहे हैं इसको, एक कम से, हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर, फिर 29 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है क्या जो पूछा है यूपी कॉन्स्टेबल में, कि फैक्टोरियल 102 है और इसको अगर हम बात करें 103 से, क्या 103 से ये कितना आ जाएगा, इसी तरह 103 माइनस 1 कितना 100। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 कितना 1000। और अगर हम इसको पूरा को 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर हम 10 से डिवाइड करें एक, एक फैक्टोरियल का मतलब कितना, एक होता है, एक फैक्टोरियल का मतलब कितना, एक। अगर हम 10 को 1 से डिवाइड किए, एक को 10 से डिवाइड किए, कितना रिमाइंडर बचा, प्लस 1 बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 2, यहाँ भी 2 बचा। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना, हम बताएं आपको कि 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 = 6 लिख सकते हैं, 10 छोटा ही हो गया ये 10,
से छोटा हो गया छः, मतलब यहाँ भी प्लस सिक्स बच सकता है। अगर हम यहाँ बात करें चार फैक्टोरियल में, क्या चार फैक्टोरियल में, तो चार फैक्टोरियल का मतलब क्या बताए थे, चौबीस बताए थे। और चौबीस को जब अगर हम डिवाइड करें किससे, किससे डिवाइड करें, दस से डिवाइड करें, तो मेरा कितना आ जाएगा, दस दूनी बीस, कितना आ जाएगा, प्लस फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस फोर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं क्या पांच फैक्टोरियल से, कितना पांच फैक्टोरियल से अगर हम बात करें, तो पांच फैक्टोरियल का अभी कुछ देर बात किए 120, और 120 10 से कट जा रहा है, 120 10 से कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। फिर से बोलिए जीरो। कैसे कटा देखते हैं, अगर इसका हम बात करें तो लिखते हैं पाँच गुना दो गुना, सॉरी पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक। अगर हम इसको हम 10 से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पाँच से दो कट गया और दो से दो कट गया, समझ रहे हैं बात को। जब ये पूरी तरह कट गया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, कितना आया जीरो, कितना आ गया जीरो, कितना आया जीरो। उसी तरह अगर सिक्स का बात करें तो सिक्स भी कटते जाएगा, पाँच या पाँच से ऊपर जितना भी फैक्टोरियल आएगा, कहे कि जो छः फैक्टोरियल इसमें सम्मिलित, तो पाँच फैक्टोरियल भी है क्या नहीं। अगर हम देखें जो छः फैक्टोरियल है उसमें तो पाँच फैक्टोरियल भी है आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और जितना भी आएगा उसका सारा जीरो आते जाएगा, आएगा नहीं, हाँ या नहीं। अब इसका हम बात करें कितना आ गया, छः दो आठ एक नौ, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, नौ आ गया, नहीं 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 सॉरी, कितना आया, छः चार दस और दो और एक दिन तेरह, मतलब रिमाइंडर आ गया तेरह। लेकिन इससे तो बड़ा है, एक बार और दे देंगे, इसका आया कितना, तीन आया, समझ में आया बात को, तीन आया, कितना आया, तीन आया। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्या, दस के जगह हम बारह से डिवाइड कर दें तब कितना रिमाइंडर आएगा, फिर उसी तरह चेक करते हैं, इसको करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तीन दूनी छः प्लस सिक्स आएगा, इसको अगर प्लस फैक्टोरियल फोर को करें, क्या फैक्टोरियल फोर का मतलब क्या बताए थे, कितना बताया, चौबीस करें, और चौबीस से अगर ये बारह से डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर कितना, जीरो बचेगा। जब यहाँ जीरो बचा तो फैक्टोरियल फोर यहाँ भी सम्मिलित है, यहाँ भी जीरो होगा, फैक्टोरियल फोर यहाँ भी सम्मिलित है, मतलब जितना होगा जीरो होते जाएगा, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा वो हम देख लेते हैं, कितना बचा वो हम देख लेते हैं, कितना बचा, तो छः दो आठ हर एक नौ, कितना रिमाइंडर बचा, नौ, नौ बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो CDS का पूछा हुआ है, और ये पूछा हुआ था क्या, हम लोग देख लेते हैं, इसको हम चार ऑप्शन दिया था, क्या क्या दिया हुआ था उसको देखते हैं। ए कितना दिया हुआ था, दस, बी बारह, सी सी कितना, नाइन, और डी एट। ये चार ऑप्शन में ये किससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ये चार ऑप्शन दे दिया आपको, और ये पूछ लिया क्वेश्चन, CDS में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित पूरी तरह हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, यही कहने का मतलब है।
समझ रहे बात को? अब हम जब 10 और 12 से हम कुछ देर पहले इसी संख्या को कैलकुलेट किए, मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था, मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था, तो ये आ रही है तो हो नहीं सकता है। क्या कि यहाँ ज्ञात किए थे 10 से कितना आया था, 3 आया था, कितना आया था, 3 आया था। जब हम 12 से ज्ञात किए, जब हम 12 से ज्ञात किए तो कितना आया था, 9 आया था, तो ये आ रही है तो हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम 9 पे, क्या पे, 9 पे बात करते हैं। तो 9 पे अगर हम बात करें तो पहला का अगर ज्ञात करते हैं 9 से, यह रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा, ये कितना 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2। इसको इसी तरह करें तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये भी प्लस 6 हो जाएगा, और ये 24 होता है रिमाइंडर 4। और अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, कितना हुआ, माइनस 3 हुआ, कितना हुआ भाई, माइनस 3 हुआ। अगर इसी तरह हम 5 में देखें, क्या अगर हम 5 में देखें और फैक्टोरियल 5 का कितना होता है, 120 होता है, इसको हम 9 से डिवाइड करें तो 9 × 9 कितना बचा, 3 बचा, और 9 × 3 = 27, प्लस 3 हुआ, प्लस 3 हुआ, यही बात है। अब बात करें फैक्टोरियल 6 का, एक चीज़ देखिएगा, जो हम फैक्टोरियल 6 लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह कट जाएगा। कैसे देखते हैं, 3 से 3 बार में कटा और 3 से 2 बार में कटा, और जब इसमें अगर हम पूरा कट गया तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, क्या बचा, 0 बचा। अगर हम यहाँ 0 हो गया तो इसके आगे जितना भी संख्या रहेगा सब 0 आते जाएगा, क्योंकि सब में फैक्टोरियल 6 सम्मिलित है। समझ रहे बात को? अब हम बात करते हैं इसमें कितना रिमाइंडर है, 3 से 3 कट रही है और 6 × 2 = 8 = 1 9, और 9 से फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, मतलब मेरा आंसर कौन सा हुआ, 3 हुआ। समझ में आ रहा है, चलिए, थैंक यू क्लास।